श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंध एकादशो अध्याय मानव धर्म वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरेत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवनमय प्रहलाद जी के साधु समाज में सम्मानित पवित्र चरित्र सुनकर संत श्रोमणि युधिष्ठिर को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नारद जी से और भी पूछा। युधिष्ठिर जी ने कहा, भगवन, अब मैं वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मनुष्यों के सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान, भगवत प्रेम और साक्षात परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होती है। आप स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारद जी, आपकी तपस्या, योग एवं समाधि के कारण वे अपने दूसरे पुत्रों की अपेक्षा आपका अधिक सम्मान भी करते हैं। आपके समान नारायण परायण, दयालु, सदाचारी और शांत ब्राह्मण धर्म के गुप्त से गुप्त रहस्य को जैसा यथार्थ रूप से जानते हैं, दूसरे लोग वैसा नहीं जानते। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों के मूल कारण हैं। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्ष पुत्री मूर्ति के द्वारा अपने अंश से अवतीर्ण होकर वदरिका आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। उन नारायण भगवान को नमस्कार करके उन्हीं के मुख से सुने हुए सनातन धर्म का मैं वर्णन करता हूँ। युधिष्ठिर, सर्व वेद स्वरूप भगवान श्री हरि, उनका तत्व जानने वाले महर्षियों की स्मृतियाँ और जिससे आत्मग्लानी न होकर आत्म प्रसाद की उपलब्धि हो, वह कर्म धर्म के मूल हैं। युधिष्ठिर, धर्म के ये 30 लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं, सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी, महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति, मनुष्य के अभिमानपूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है, ऐसा विचार, मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों को अन्न आदि का यथा योग्य विभाजन, उनमें और विशेष करके मनुष्यों में अपने आत्मा का, आत्मा तथा इष्ट देव का भाव, संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण, यह 30 प्रकार का आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इसके पालन से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। धर्मराज, जिनके वंश में अखंड रूप से संस्कार होते आए हैं और जिन्हें ब्रह्मा जी ने संस्कार के योग्य स्वीकार किया है, उन्हें द्विज कहते हैं और जन्म और कर्म से शुद्ध द्विजों के लिए यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान है। अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। क्षत्रिय को दान नहीं लेना चाहिए। प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन निर्वाह ब्राह्मण के सिवा और सबसे यथा योग्य कर तथा दंड, जुर्माना आदि के द्वारा होता है। वैश्य को सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर गौरक्षा, कृषि एवं व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए। शूद्र का धर्म है दुजातियों की सेवा, उसकी जीविका का निर्वाह उसका स्वामी करता है। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के साधन 4 प्रकार के हैं, वार्ता, शालीन, यायावर और शिलोच्छन। इनमें से पीछे पीछे की वृत्तियां अपेक्षाकृत श्रेष्ठ हैं। निम्न वर्ण का पुरुष बिना आपत्ति काल के उत्तम वर्ण की वृत्तियों का अवलंबन न करे। क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मण की शेष 5 वृत्तियों का अवलंबन ले सकता है। आपत्ति काल में सभी सब वृत्तियों को स्वीकार कर सकते हैं।
रित, अमृत, मृत, प्रमृत और सत्यानृत इनमें से किसी भी वृत्ति का आश्रय ले, परंतु स्वान वृत्ति का अवलंबन कभी न करे। बाजार में पड़े हुए अन्न अर्थात उच्च तथा खेतों में पड़े हुए अन्न अर्थात सिल को वीन कर सिलोच्च वृत्ति से जीवन का निर्वाह करना रित है। बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी अयाचित अर्थात शालीन वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करना अमृत है। नित्य मांग कर लाना अर्थात यायावर वृत्ति के द्वारा जीवन यापन करना मृत है। कृषि आदि के द्वारा वार्ता वृत्ति से जीवन निर्वाह करना प्रमृत है। वाणिज्य सत्यानृत है और निम्न वर्ण की सेवा करना स्वान वृत्ति है। ब्राह्मण और क्षत्रिय को इस अंतिम निंदित वृत्ति का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सर्व वेदमय और क्षत्रिय अर्थात राजा सर्व देवमय है। सम, दम, तप, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवत परायणता और सत्य ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना ये क्षत्रिय के लक्षण हैं। देवता, गुरु और भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म और काम इन तीनों पुरुषार्थों की रक्षा करना, आस्तिकता, उद्योगशीलता और व्यवहारिकता, निपुणता ये वैश्य के लक्षण हैं। उच्च वर्णों के सामने विनम्र रहना, पवित्रता, स्वामी की निष्कपट सेवा, वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ, चोरी न करना, सत्य तथा गौ ब्राह्मण की रक्षा करना ये शूद्र के लक्षण हैं। पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना और सर्वदा पति के नियमों की रक्षा करना ये पति को ही ईश्वर मानने वाली पतिव्रता स्त्रियों के धर्म हैं। साध्वी स्त्री को चाहिए कि झाड़ने, बुहारने, लीपने तथा चौक पूरने आदि से घर को और मनोहर वस्त्र आभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत रखे, सामग्रियों को साफ सुथरी रखे, अपने पतिदेव की छोटी बड़ी इच्छाओं को समय के अनुसार पूर्ण करे, विनय, इंद्रिय संयम, सत्य एवं प्रिय वचनों से प्रेम पूर्वक पतिदेव की सेवा करे, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, किसी भी वस्तु के लिए ललचावे नहीं, सभी कार्यों में चतुर एवं धर्मज्ञ हो, सत्य और प्रिय बोले, अपने कर्तव्य में सावधान रहे, पवित्रता और प्रेम से परिपूर्ण रहकर यदि पति पतित न हो तो उसका सहवास करे, जो लक्ष्मी जी के समान पति परायणा होकर अपने पति की उसे साक्षात भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करती हैं, उसके पतिदेव वैकुंठ लोक में भगवत सारूप को प्राप्त होते हैं और वह लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंदित होती है। युधिष्ठिर, जो चोरी तथा अन्य पाप कर्म नहीं करते, उन अंत्यज तथा चांडाल आदि अंतेवसाई वर्ण संकर जातियों की वृत्तियां वे ही हैं जो कुल परंपरा से उनके यहाँ चली आई हैं। वेददर्शी ऋषि मुनियों ने युग युग में प्राय मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है, वही धर्म उनके लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी हैं। जो स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर अपने स्वधर्म का पालन करता है वह धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है। महाराज, जिस प्रकार बार बार बोने से खेत स्वयं ही शक्तिहीन हो जाता है और उसमें अंकुर उगना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि उसमें बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह चित्त जो वासनाओं का खजाना है विषयों का अत्यंत सेवन करने से स्वयं ही उग जाता है, परंतु स्वल्प भोगों से ऐसा नहीं होता। जैसे एक एक बूंद घी डालने से आग नहीं बुझती, परंतु एक ही साथ अधिक घी पड़ जाए तो वह बुझ जाती है। जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है वह यदि दूसरे वर्ण वाले में भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद 19।
क्षमा कीजिए। एकादशो अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।